रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 मल्टीप्लिकेशन की हमने स्टार्ट की हुई है और आज इसको जो है वो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आज हम ख़त्म कर देंगे। इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज मैं आपको करवा दूंगा और जो बाकी रह जाएंगे, वैसे बाकी कुछ रह नहीं गया, मैंने आपको तकरीबन सारे करवा दिए हैं, तो आपका काम है कि अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो करनी है। एक क्वेश्चन को कम से कम आपने 2 दफ़ा जो है वो लिखना है। आज हम देखेंगे इसका 10th पार्ट, एक्सरसाइज 8.4 है, इसका 10th पार्ट है। तो 2x-1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x² से प्लस 2x10+1। बिल्कुल वही मेथड को आपने फॉलो करना है। इस 2x ने इन तीनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आप इसको इस तरह से लहजा से लिखते हैं 4x² + 2x + 1। -1 ने इन तीनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को नंबर से, 4 × 2 = 8, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, x³ बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और पावर ऐड होगी तो 4x² 2 जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये आपकी पहली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी। माइनस 1 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 को आपको पता है कि ये सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, आपने ब्रैकेट्स खोल लिए और माइनस का साइन जो है वो अप्लाई करना है, 8x³ + 4x² + 2x - 4x² - 2x एंड -1, माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज हो गए। अगला स्टेप, हमें पता है कि हमने वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करना है, 8x³ की जो वेरिएबल है वो कहीं नहीं है, प्लस 4x² - 4x² ये इकट्ठा कर लिया है, प्लस 2x - 2x और -1। आप देखें ये प्लस में ये माइनस में है, ये कैंसल, ये प्लस में माइनस में ये कैंसल, और आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची ये आपका आंसर है। इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखते हुए 11th पार्ट जो है वो करते हैं। 11th पार्ट भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, ये जी इसका 11th पार्ट है जी, a+b ये मल्टीप्लाई हो रहा है a² - ab से प्लस b² से। ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसमें आपको नंबर नहीं नजर आ रहा। अब इस a ने इन तीनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, a² - ab + b² प्लस b ने इन तीनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इसको हम अलग से राइट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a³ - a²b + ab² ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फाबेटिकली लिखें a²b, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, बाय प्लस है, तो ये आ गया ab² और लास्ट पे b³। सेम वेरिएबल्स को आप इकट्ठा कर दें इस जगह पे, a³ जो है वो कहीं नहीं है, -a²b + a²b +ab² - ab² + b³, ये वैल्यू आपकी कैंसिल और ये वाली कैंसिल, a³ + b³ जो है वो आपका आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़नी है आपने, इसका लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं क्वेश्चन पेपर, आप लास्ट पार्ट जो है वो 3-b ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2b - b² + 3 से, ठीक है। अब इस 3 को आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप लिखते हैं इस तरह से, -b ने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप इस तरह से लिखते, नंबर को नंबर से 3 × 2 = 6, बी साथ में वैसे ही आ जाएगा, और ये 3b मल्टीप्लाई होगा तो 3b² और 3 × 3 = 9, इसको आप ब्रैकेट कर दें, माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2b² पावर ऐड हो जाएगी, माइनस ये b² है और बाय ये b³ + 3b, 6b - 3b² + 9 -2b² + bq - 3b,
ठीक है जी, सेम वेरिएबल्स को आप एक एक जगह पे कर लें, 6b और b की वैल्यू है जी -3b, ये हो गया -3b² -2b² ठीक है, बगैर वेरिएबल के, और ये आपका b क्यूब आ गया एंड, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दें, 6 में से 3 ये आपके पास आ गया 3b, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 5b² ये ऐड हो जाएगा और प्लस 9+b³, ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आपने इसको साथ अपनी कॉपी पे भी नोट करना है और साथ इसके प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।